इस वक्त हिट एंड रन के मामले से जुड़े नए कानून को लेकर ट्रक ड्राइवर पूरे देश में बवाल कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ये कानून वापस लिया जाए, जिसका विधेयक हाल ही में संसद में पास किया गया, फिर राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन गया। ऐसा कानून जिससे ट्रक टैंकर और बस ड्राइवर डर गए। आखिर इस कानून में ऐसा है क्या जिसे लेकर देश के ड्राइवर बुरी तरह बौखला गए हैं? लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर ये हिट एंड रन होता क्या है। दरअसल हिट एंड रन उस दुर्घटना को बोलते हैं जहां कोई भी वाहन चालक रास्ते में किसी भी गाड़ी को टक्कर मारकर निकल जाता है, यानी कि वो हादसे वाली जगह से ये देखते हुए भी भाग जाता है कि कोई घायल हालात में कराह रहा है। इस केस में अक्सर मदद ना मिलने की वजह से लोग दम तोड़ देते हैं, जबकि कई बार वक्त पर घायलों को इलाज मिल जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। आसान भाषा में कहे तो सड़क हादसे के बाद घटनास्थल से फरार हो जाना। चलिए अब समझते हैं कि हिट एंड रन के नए कानून में क्या है जिसका विरोध सभी ड्राइवर कर रहे हैं। इस नए कानून में कहा गया है कि अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है और हादसे की जानकारी नहीं देता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। इस कानून से ड्राइवर में डर यह है कि वह अब कोई भी नौसिखिया ड्राइवर इस पेशे में नहीं आएगा। आइए अब जानते हैं कि पुराने हिट एंड रन कानून में क्या था। इससे पहले ऐसे हादसे के बाद ड्राइवर को आसानी से जमानत मिल जाती थी और वो कुछ ही दिन में थाने से बाहर आ जाते थे। IPC की धारा 304A के तहत ऐसे मामले में सिर्फ 2 साल तक की सजा का प्रावधान था। बता दें कि हिट एंड रन के कड़े कानून की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि देश भर में हर साल हिट एंड रन में तकरीबन 50,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में जरा सोचिए, ये ट्रक ड्राइवर और वाहन चालक लापरवाही और अपनी जान छुड़ाने के चक्कर में किसी के घर का चिराग यूं ही बुझा देते हैं। वो ये भी नहीं समझते हैं कि उनकी एक गलती का खामियाजा पूरे परिवार को जिंदगी भर उठाना पड़ता है। हंसते खेलते परिवार के आगे बस आंसुओं का सैलाब ही रह जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये कानून बिल्कुल सही है। शायद इस कानून के डर से ऐसे हादसे कम हों और लोग इस तरह तो अपनों को ना खोएं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।